यार, सदर जाना है, वापिस भी आना है, पेट्रोल की टैंकी भी फुल है, लेकिन क्या करूं यार कि पेट्रोल बचा लूं मैं किसी तरीके से। भाई 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 यार, मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, थोड़ा सा पेट्रोल बोतल में मिल सकता है ताकि पेट्रोल पंप तक पहुंच जाऊं। ये लो भाई। बहुत मेहरबानी भाई आपकी, बहुत मेहरबानी। खान साहब, बिल इस बार मैं दूंगा। गलत जगह पे हाथ रख दिया आपने, बिल तो मैं ही दूंगा। हाथ मेरा सही जगह पे है, बात आपकी गलत है, बिल मैं दूंगा। अरे भाई, बिल तो आप दे ही नहीं सकते, लेकिन अगर जिद करोगे तो फिर तो मैं बिल दिए बगैर जाऊंगा ही नहीं। अगर जिद आप करोगे और मैं करूंगा तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? फिर एक काम करो, इस बार मुझे देने दो, अगली बार तुम दे देना। खान साहब, इस बार तो बिल आप दे रहे हो, लेकिन वादा करो अगली बार बिल मैं दूंगा। वादा है, अगली बार आप दे देना। yes! तुम्हें क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, वो इससे अगली बार फिर मैं दूंगा। आइए उबैद साहब, उबैद साहब इत्तेफाक देखो, यहाँ से गुजर रहा था, मेरी नजर आप पे पड़ गई। अच्छा यार उबैद साहब, सुने आपकी प्रमोशन हो गई? हाँ बिल्कुल यार। तो फिर ये बता, ट्रीट कब दे रहे हैं भाई को? यार क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, जब मेरे भाई ने कहना है मैंने ट्रीट दे देना है। तो फिर कल डन करे। यार कल तो असल में घर की सफाई करनी है मैंने, तो उसमें थोड़ा सा बिजी रहूंगा। तो फिर अगली रात को कर लेते हैं। यार अगली रात तो मामू की थोड़ी सी तबीयत खराब है, मैंने अस्पताल जाना है। कोई मसला नहीं, उसके अगली रात कर लेंगे। यार उसकी अगली रात जो है ना, कुछ मेहमानों ने घर आना है, तो गाने वाने का उनके लिए प्रोग्राम है, तो उस वजह से। चलो फिर उबैद साहब, आप बताएं कब देने ट्रीट। यार आप फिर से मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मेरा भाई जब कहेगा मैं आपको ट्रीट दे दूंगा। फिर ऐसे कर लेते, अगले हफ्ते दे देना। यार अगले हफ्ते ना, असल में मैंने क्वेटा जाना है। तो उसके अगले हफ्ते? यार क्वेटा जाऊंगा तो वापिस भी आऊंगा ना, उसके अगले हफ्ते में क्वेटा से वापिस आऊंगा। तो फिर अगले महीने दे दो भाई। यार अगले महीने असल में मैंने बीमार हो जाना है। Oh no! तो फिर आप बताओ कब दे सकते हो। यार आप फिर से शर्मिंदा कर रहे हो ना, छोटी बातें ना कर। यार आप मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, जब आप कहेंगे मैं आपको ट्रीट दे दूंगा। यार भाई माफ कर दो, नहीं चाहिए आपका ट्रीट। दता गोरा मुखपल दे चिने सारा रोटे खरू और दे मुन्ना ट्रीट ना वाड़ी। कैसा यार, अच्छा है? सुना ना कहाँ जा रहा है? यार बहुत जल्दी में हो, एक दावत पे जाना है। तूने हमेशा पराई जेब से दावतें खाई है, कभी अपनी जेब से भी मैं रोटी खिला दे। अपनी जेब से रोटी, ये तो बहुत आसान है, कल सब दोस्त आ जाओ 6 बजे, सबको मैं अपनी जेब से रोटी खिला दूँ। कसम खा। अभी मैं आसम को कॉल करता हूँ। अरे यार मुझे तो यकीन नहीं आता कि वो हमें दावत देगा। यार कल मुझे उसने इसी जगह पे कहा था कि अपने दोस्तों को ले आना, 6 बजे अपनी जेब से रोटी खिलाऊंगा। अरे तो बहुत लेट हो, घर तो यही है ना। यही घर है, अभी आ जाएगा। 6 बजने में 2 मिनट अभी आ जाएगा। यार मुझे आ गया। ये है ना उबैद, कैसा है यार? कैसे हो? कैसे हो? चले फिर। कहाँ? यार कल तूने मुझे कहा नहीं था कि अपनी जेब से सबको रोटी खिलाऊंगा? याद आ गया, याद आ गया। ये लो तेरी रोटी और ये तू ले। देखो भाई मैं जबान का पक्का हूँ, खिला दिया ना सबको अपनी जेब से रोटी। मुझे देर हो रही है, मैंने जाना है, और तुम लोग एंजॉय करो मेरी जेब की रोटी। इसकी जेब की रोटी तुम्हें ही नसीब हो। ₹500 का खाना खिला दिया हमको, ये अब मैं इनसे निकालूंगा कैसे? खाना खा लिया है? बहुत मजा आया खाने का भाई, बहुत शुक्रिया।
पक्का भी किले रोको ना। नहीं, बहुत मेहरबानी, कभी हमें मौका दो मेहमान नवाज़ी का। नहीं यार, शुक्रिया की क्या बात, कल मुइज भी आया हुआ था, वो भी बहुत शुक्रिया निकाल रहा था, लेकिन मेरे बहुत मना करने के बावजूद उसने मेरे 2 महीने के बच्चे को 500 रुपए दे दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं तो बनता नहीं, 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 ये बनता है भाई। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं भाई, ये बनता है यार। ये आपके आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। ओहो यार, इसकी कोई जरूरत नहीं। ख्याल रखे, चुन चुन, चलो उबैद भाई, अल्लाह हाफिज़। आप नहीं दे रहे। उबैद भाई इधर आओ, इधर आओ। एक बात सुनो, तुम तो खुद ताला का नंबर 1 कंजूस हो, अभी भी आपने खाने के पैसे ले लिए। इतनी घर की लाइट ऑन रखी हुई है ना, कहीं कंजूसी के पैसे जमा करके आप तो बीजी के आयाश पे तो नहीं लगा रहे हो? यासिर भाई, हाँ मैं हूँ कंजूस, और मुझे पैसे बचाने का बहुत शौक है, और यहाँ पे भी मैं पैसे बचा रहा हूँ। और ये जो आप सारी लाइटें जली हुई देख रहे हैं ना, ये LED लाइट्स है, और इससे बिजली बचती है। और आपको पता है, बिजली बचने से सिर्फ मुझे फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। और इस LED बल्ब की वजह से बिल इंतहाई कम आता है, और आम बल्ब से रोशनी भी ज़्यादा देता है। अगर हम सब ये छोटा सा कदम उठा लें, तो आप खुद सोचें कितना रोशन होगा पाकिस्तान। ओह बेद भाई, आपने तो मेरे आंखें खोल दी। चलो ये LED लाइट में भी घर में लगा दो, तो अब मुझे इजाज़त दे दो, मैं चलता हूँ। लेकिन वो बच्चे की सलामी जूसे के साथ, तुम तो वल्ला बड़ा बेगैरत हो।